हेलो फ्रेंड्स, मैं सेराराम सिमार, मेरे अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद एसआर सिमार में आपका स्वागत करता हूँ। इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर की सीरीज़ का ये तीसरा वीडियो है और मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कुछ और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स। फ्रेंड्स, आज अपन देखेंगे गोइंग टू का यूज़ और यूज टू का यूज़ और ऑलवेज का यूज़। तो पहला स्ट्रक्चर है आपके सामने सब्जेक्ट प्लस इज या आर एम या वोज या वर अकॉर्डिंग टू टेंस, उसमें से कोई एक प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट। इसका प्रयोग अपन तब करते हैं कि जब कोई क्रिया निकट भविष्य में होने जा रही है, शुरू होने वाली, आरंभ होने वाली है, तब करते हैं। सेंटेंस को देखिए कैसे सेंटेंस में यूज़ होते हैं। मैं अपने विचार व्यक्त करने जा रहा हूँ, विचार व्यक्त करने जा रहा हूँ निकट भविष्य में, यानी कि अभी कोई क्रिया शुरू होने वाली है, तो मैं अपने विचार व्यक्त करने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस माई व्यूज़। मैं अगले महीने एक नई दुकान खोलने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू ओपन ए न्यू शॉप नेक्स्ट मंथ। हम आज अंग्रेजी सीखने जा रहे हैं, तो वी आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश टुडे। मैं उसे कुछ नहीं बताने जा रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू टेल हिम एनीथिंग। मैं आज तुम्हारी उत्तर पुस्तिका जांचने जा रहा हूँ। अगर अपन टीचर हैं और किसी बच्चों से कुछ बच्चों से कह रहे हैं, तो आप यही कहेंगे कि टुडे आई एम गोइंग टू चेक योर नोटबुक्स। वह गलती करने जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू मेक अ मिस्टेक। मैक ए मिस्टेक यानी गलती करना, तो ही वॉज गोइंग, या वॉज गोइंग इसलिए आया क्योंकि वह गलती करने जा रहा था। नेक्स्ट है, हम जो है गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट होने की जो है जा रहे हैं, तो वी आर गोइंग टू गेट सेलेक्टेड इन गवर्नमेंट जॉब। हम गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट होने जा रहे हैं, कुछ क्रिया होने वाले, तो वी आर गोइंग टू गेट सेलेक्टेड इन द गवर्नमेंट जॉब। नेक्स्ट है, वे जल्दी शादी करने जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू गेट मैरिड सून। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप देखेंगे कि आर इज आर एम वॉज वर का प्रयोग करके गोइंग टू का प्रयोग तब करते हैं जब कोई क्रिया होने जा रही है या होने जा रही थी। अगर नेगेटिव लेना है तो फिर नॉट लगेगा जो है इसके बाद थर्ड नंबर पे, यानी कि इज आर एम वॉज वर के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स, अपन देखेंगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर है नेक्स्ट यूज टू। यूज टू का मतलब होता है कोई क्रिया, किसी की आदत, भूतकाल में कोई कार्य किया करता था। तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मेरे दादाजी शाम को अखबार पढ़ा करते थे, मेरे दादाजी की आदत ही है शाम को अखबार पढ़ते थे, तो माई ग्रैंड फादर यूज टू रीड न्यूज़पेपर इन द इवनिंग। वह रोज़ मंदिर जाया करता था, तो ही यूज टू गो टू टेम्पल डेली। आदत ही उसकी, यूज टू क्या करता था, पास्ट की कोई बात हो, पास्ट की कोई आदत हो। हम रोज उस पेड़ के नीचे बैठा करते थे, वी यूज टू सिट अंडर द ट्री डेली। मैं उस घने जंगल से गुजरा करता था, आई यूज टू पास दैट डेंस फॉरेस्ट। वह अक्सर रूठ जाया करती थी, सी ऑफन यूज टू गेट एंग्री। ऑफन अक्सर, यूज टू गेट एंग्री, वह अक्सर रूठ जाया करती थी। वह पहले शराब नहीं पिया करता था। अब यहाँ पर देखिए, किया करता था तो यूज टू, यूज़ टू, और नहीं किया करता था डिडंट यूज़ टू। वह शराब नहीं पिया करता था, ही डिडंट यूज़ टू ड्रिंक लिकर, या बोल सकते हैं लिकर शराब जिसे बोलते हैं, वाइन बोल सकते हैं। तो ही डिडंट यूज़ टू ड्रिंक लिकर अर्लियर, पहले वह शराब नहीं पिया करता था। यह हमारा पसंदीदा मनोरंजन हुआ करता था, दिस यूज़ टू बी आवर फेवरेट पास्ट टाइम। पास्ट टाइम होता है मनोरंजन। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, वे अक्सर देर से आया करता था, ही ऑफन यूज टू कम लेट। ऑफन यूज टू कम लेट यानी कि देरी से आया करता था। तो यूज टू का प्रयोग हम फ्रेंड्स अपन तब करते हैं पास्ट की कोई क्रिया जहां पर किसी कोई आदत हो वो बताने के लिए क्या करता था। नेक्स्ट स्ट्रक्चर अपन देखेंगे करता रहता है। जैसे सब्जेक्ट प्लस इज आर एम का प्रयोग प्लस ऑलवेज प्लस वी फर्स्ट आई एन जी और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। अब इसका प्रयोग अपन कब करते हैं, करता है या कर रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन ऑलवेज का यूज करने से फिर करता रहता है। जैसे देखना, मैं हमेशा मजाक करता रहता हूँ, आई एम ऑलवेज जॉकिंग। आई एम ऑलवेज जॉकिंग, अब देखो मैं मजाक कर रहा हूँ तो आई एम जॉकिंग होगा, लेकिन मैं मजाक करता रहता हूँ, आई एम ऑलवेज जॉकिंग। वे मेरी माँ हमेशा किसी न किसी बात की फिक्र करती रहती है, तो माई मदर इज ऑलवेज वरिंग अबाउट समथिंग और एल्स। वह हमेशा अपने नाखून चबाती रहती है, सी इज ऑलवेज बाइटिंग हर नेल्स।
तुम हमेशा क्यों चिल्लाते रहते हो? वाई आर यू ऑलवेज आउटिंग, वाई आर यू ऑलवेज शाउटिंग। वह हमेशा मुंह फुलाकर बैठे रहता है, ही इज ऑलवेज शिटिंग सलनली, सलनली होता है मुंह फुलाकर बैठना, नाराज होकर के बैठना। मैं हमेशा उसी गली में गुजरता रहता हूँ, आई एम ऑलवेज पासिंग थ्रू दैट स्ट्रीट। नेक्स्ट सेंटेंस, वह हमेशा पढ़ती रहती है, सी इज ऑलवेज स्टडिंग, वह हमेशा पढ़ती रहती है, सी इज ऑलवेज स्टडिंग। वह हमेशा बहस करती रहती है, सी इज ऑलवेज आर्ग्यूइंग। बच्चे हमेशा कुछ ना कुछ तोड़ते रहते हैं, द चिल्ड्रन आर ऑलवेज ब्रेकिंग समथिंग और द अदर, कुछ ना कुछ तोड़ते रहते हैं, समथिंग और द अदर। लोग हमेशा मोबाइल फोन से चिपके रहते हैं, द पीपल आर ऑलवेज कीपिंग ग्लूड टू द मोबाइल फोन। मेरे गुरुजी हमेशा मेरा मार्गदर्शन करते रहते हैं, माई गुरु इज ऑलवेज गाइडिंग मी। यहाँ पर आप देखेंगे गुरु एक इंग्लिश शब्द है जिसको, हिंदी शब्द है जिसको इंग्लिश में एज इट इज अडॉप्ट किया गया है। गुरु यानी आपके जो गुरुजी है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये यूज टू का प्रयोग, ऑलवेज का प्रयोग और गोइंग टू का प्रयोग ये आपको अच्छी तरह समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन और कुछ स्ट्रक्चर देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।